हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रोविडेक कैप्सूल के बारे में। दोस्तों, प्रोविडेक कैप्सूल का इस्तेमाल करने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, प्रोविडेक कैप्सूल के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, इसके इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं और कितनी मात्रा में प्रोविडेक कैप्सूल को इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, प्रोविडेक कैप्सूल की बात करें तो इसको जाइडस हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, इंग्रेडिएंट की बात करें तो प्रोविडेक कैप्सूल के अंदर दो तरह के इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस और बिफिडोबैक्टीरिया। इन दोनों इंग्रेडिएंट को प्रोविडेक कैप्सूल के अंदर इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, प्राइस की बात करें 343 रुपीज़ में ये 14 कैप्सूल का पूरा एक स्ट्रिप आता है। दोस्तों, इसका जो प्राइस है समय के हिसाब से इंक्रीज़ होता रहता है, इस समय जो इसका प्राइस है वो इधर मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, प्रोविडेक कैप्सूल को जो इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, दोस्तों यदि किसी को लूज मोशन हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए डॉक्टर के द्वारा इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि आप ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा एंटीबायोटिक के इस्तेमाल करने से जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके खाना को पचाने के लिए हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं, वो मर जाते हैं। तो दोस्तों, उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भी इस कैप्सूल को दिया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि पाचन तंत्र में लंबे समय से सूजन की समस्या है तो ऐसी कंडीशन में भी इस कैप्सूल को डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी डॉक्टर के द्वारा इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, इसकी डोज की बात करें तो डॉक्टर के द्वारा एक एडल्ट व्यक्ति को एक रोज़ का एक कैप्सूल इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, इस कैप्सूल के इस्तेमाल करने से कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। पेट में गैस हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है। ये इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो इस्तेमाल करने से किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं तो अपने डॉक्टर की एडवाइस पर ही करें, अननेसेसरी इस कैप्सूल का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। आई होप दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।